बनारस में इन्होंने कहा था कि गंगा ने बुलाया है, क्या माँ गंगा ने इनको यही सिखाया था? सबसे बड़ा भक्त इस समय मीडिया ही बीजेपी की है। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? आपका हो रहा होगा। कंसराज जिस तरह कंस ने अपने पिता को कैद कर लिया था, ये देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को कैद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार अच्छी होती ये धरना प्रदर्शन नहीं होता। 8 घंटे से 24 घंटे 16 घंटे वो नौकरी करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस पैसे को शेयर मार्केट में ही लगाते हैं। ऐसा रामराज की परिकल्पना दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, चालकों का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। 108 केवल गुजरात के ठेकेदारों को पूरे हिंदुस्तान का ठेका दे दिया गया। वोट से ऐसा चोट देंगे कि सारी छकड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी भूल जाएंगे। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। लगातार यहाँ पे पुराने पेंशन को लागू करने की मांग करते हैं लोग। कभी बैंक के कर्मचारी आते हैं, कभी ड्राइवर्स आते हैं, कभी मेट्रो के ड्राइवर्स आते हैं। और आज यहाँ पे हमारे साथ राज्य और केंद्र में जो ट्रेनें चलाते हैं वो सारे ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं कि पुराने पेंशन को लागू किया जाए। क्या दिक्कत है नए पेंशन? पुरानी पेंशन, नई पेंशन 2004 में लागू की गई थी और उसके बाद के अंदर दो तरह के कर्मचारी चल रहे हैं राज्य सरकार में, केंद्र में। एक को पुरानी पेंशन मिल रही है, एक को नई पेंशन मिल रही है। तो नए कर्मचारी जो लगे उनमें असंतोष उभरा कि भाई पुरानी पेंशन इनको मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? यहाँ के विधायकों को, लोकसभा के सांसद को पेंशन मिलती है, एक नहीं 4-4 पेंशन मिलती है, तो हमारे को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? सबने आंदोलन किया और आंदोलन से हिमाचल प्रदेश ने लागू किया। कितने साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ? जब से ये 2004 में इन्होंने लागू किया था तब से हम आंदोलन कर रहे हैं, बराबर आंदोलन कर रहे हैं। और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने यहाँ पे मौजूद है, कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं, जंतर मंतर पे लगातार आते रहते हैं। हम इनसे पूछेंगे। लागू किया है वो हिमाचल प्रदेश से। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अभी 1 महीना पहले हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है, तो हम चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है अभी। तो कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु जो जितनी स्टेटें हैं अभी हिमाचल में नई नई कांग्रेस सरकार आई है तो उन्होंने लागू कर दी, परंतु हम केंद्र से जा रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। आपने जिस तरीके से बोला, बीजेपी की सरकार है उन्होंने नहीं लागू करी है, जहां भी कांग्रेस की सरकार हुई है वहां ये लागू की गई है, जैसे कि छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान, ऐसी जगहों में जो है यहां लागू की गई है, नहीं अन्यथा कहीं इन्होंने जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं हुई है। बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? आपका हो रहा होगा, हमारा तो नहीं हो रहा। आप बताइए, जो आदमी 35 साल सरकारी नौकरी कर रहा है उसको पेंशन खत्म, जो 5 साल मंत्री रह रहा है, MLA रह रहा है, उनको पेंशन 5-5, ये कहाँ का दस्तूर है? ये तो बिल्कुल गलत है। नेता लोग ज्यादा मेहनत करते हैं सर। क्या मेहनत करते हैं? उनसे ज्यादा हम करते हैं। वो भी हमारी गाड़ियों में बैठ करके हमारे साथ चलते हैं। वो 8 घंटे करते होंगे, हम 12 घंटे करते हैं, और हम 24 घंटे, हमारा ड्राइवर जो है वो एक मंत्री के साथ लगा हुआ है, तो वो 24 घंटे भी उसको ड्यूटी करनी पड़ती है। आपने बोला बीजेपी की सरकार जहाँ जाए वहाँ वहाँ कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन सबका साथ। सरकार देखिए, आपने बोला राजनीतिक प्रश्न है, सुनिए। सरकार किसी की दल की आए, हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार अच्छी होती ये धरना प्रदर्शन नहीं होता, पहली बात तो। हम अच्छा बुरे का सवाल नहीं है, सवाल ये है आज इधर नई गाड़ियां नहीं खरीद रहे, टैक्सियां लगा रहे हैं, ड्राइवरों के पदों को खत्म करते जा रहे हैं, ड्राइवरों के पदों का सृजन नहीं कर रहे, पदोन्नति कैसे मिलेगी? विश्वगुरु कैसे बन रहा है भारत?
कहाँ बन रहा है? वैसे ही हवा में बन रहा है, टीवी में देखते नहीं, ये अखबारों में बन रहा है, टीवी वाले बना रहे हैं। ये वास्तव में मोदी मोदी जो मोदी मीडिया है वो बना रहे हैं। दूसरा क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट ड्राइवर है, जो अदर कर्मचारी हैं, उनसे ड्राइवर जो भिन्न है, क्योंकि ड्राइवर की ना प्रमोशन है ना उसका कोई टाइम टेबल है। 8 घंटे से 24 घंटे 16 घंटे वो नौकरी करता है, 18 घंटे तो करता है। आपने बोला नए पेंशन में, जैसा मुझे मालूम है कि आप लोगों के सैलरी से पैसे कटते हैं, वो शेयर मार्केट में एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, और शेयर मार्केट जब अच्छा काम करता है तो आप लोगों को पेंशन मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो शेयर मार्केट तो अडानी उडानी सब लोग समझ कह रहे हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने लोक कल्याणकारी नीतियों से हट करके नई पेंशन लागू की। नई पेंशन में क्या है? सामाजिक सुरक्षा जो है हमें मिलनी चाहिए, उसके तहत हमारे को पेंशन देते हैं। सर आप बताइए नई पेंशन में क्या है? नई पेंशन में ऐसे है, जो कर्मचारी 30-30, 25-25 साल नौकरी करके उसको 1.5 या 2 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। जो पुरानी पेंशन है जो 25 या 30 हजार, उसके घर का गुजारा ठीक चलता है, परंतु 1.5 या 2 हजार रुपए में उसका क्या गुजारा चलेगा? ऐसा होता है कि आप लोग का पैसा शेयर मार्केट में लगता है, अगर शेयर मार्केट अच्छा काम किया तभी आपको पेंशन मिलेगा। शेयर मार्केट से क्या मतलब? आप बताइए हमसे क्या ऐसा होता है या नहीं? नहीं हमारे नहीं होता। अगर ये आपके सांसद और विधायकों का शेयर मार्केट जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी तो पेंशन लेते हैं ना। आप लोगों का जुड़ा हुआ है ना? किसका? हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग भारत सरकार के साथ में है, ये हमारा डिमांड है। आप लोग का जो आप लोग सवाल नहीं समझ रहे, नया पेंशन नीति ऐसा है कि आपके सैलरी से पैसा कटेगा, उसके बाद एक मैनेजर है वो शेयर मार्केट में वो पैसा लगाता है, शायद ऐसा है ना? शेयर मार्केट ऐसा शेयर मार्केट में लगाता है, उसके बाद अगर शेयर मार्केट अच्छा काम कर रहा है तब आपको पेंशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ के बिजनेसमैन से मिला हुआ है, कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल गलत है। देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस पैसे को शेयर मार्केट में ही लगाते हैं ऐसा, और उसका तो एडवर्टाइजमेंट आपके चैनल के माध्यम से भी आता है, टीवी पर आता है। वो तो सरकार की नीति गलत है, वो तो हम नहीं चाहेंगे, हमने तो ऐसा कहा नहीं ऐसा करिए। हम तो यही चाहेंगे ना कि जैसे दूसरे सर्विसेज कर रही है उनको पूरा पैसा मिल रहा है। जुड़े हुए हैं नहीं, हम ये तो नहीं कहते हैं कि शेयर मार्केट का पैसा कहाँ लगाते हैं। अंडानी माने का नाम तो हम सीधा नहीं लेते क्योंकि वो लगाते कहाँ हैं, पर वो उनकी पॉलिसी गलत है। हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, वेलफेयर के लिए, जो हम उनकी इतनी सर्विस करते हैं 30-40 साल से भी करते हैं, मैंने तो 39 किया। आपने तो टीका भी लगा रखा है, राम राज आ गया और आप खुश भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि टीका लगाने से कोई खुश या दुख हो जाएगा, वो एक अलग चीज है ना। कंस राज, जिस तरह कंस ने अपने पिता को कैद कर लिया था, ये देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को कैद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। रामराज की परिकल्पना दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, चालकों का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसका साथ किसका विकास हो रहा है? किसका विकास? केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, देश के जनमानस का कोई विकास नहीं हो रहा है, यह सब केवल फ्रॉड है। क्या लग रहा है 2004 से लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, पुराने जो है पेंशन को वापस लाने के लिए, अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है, क्या करेंगे? यदि पेंशन लाने का जो हम लोगों का प्रयास है, प्रयास चलता रहेगा, जब कोई सीमा का बिल्कुल अंतिम रूप होता है उसका रिजल्ट उस समय जनमानस उनको देगा। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी जितना मुझे मालूम है, और आज जो है बीजेपी की सरकार है, ये जो आपके साथ हुआ है वो तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। नहीं, कांग्रेस की सरकार ने पहला 2000 से पहले, आपको बिटिया मैं बहुत पहले की बात बताता हूँ, जब ये चला तो एक इन्होंने कांग्रेस ने कर दिया संविदा का, इन्होंने क्या कर दिया कि आउट ऑफ सोर्सिंग भी ला दिया, संविदा की तो कोई गारंटी नहीं, आउट ऑफ गार्ड हवा में। आउट ऑफ सोर्सिंग क्या है? आपका बच्चा आपका भाई 5 साल काम किया और अधिकारी नाराज हो गया, कल से मत आना, ठेकेदार दूसरा आदमी भेज दो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। लोन के नाम पर भी धोखा है,
आप सोचिए मैडम कि 108 केवल गुजरात के ठेकेदारों को पूरे हिंदुस्तान का ठेका दे दिया गया। पहले बताया गया कि 8-8 घंटे का ड्राइवरों का ड्यूटी होगा। उसी पैसे को बैंक लोन के माध्यम से लोकल ड्राइवरों को, जिस जो लाइसेंस धारक था, जो पात्रता जो रखता था, यदि उसको देते तो उसका कल्याण होता, इनका पैसा भी भर देता, उसकी गाड़ी हो जाती। लेकिन यह देश में केवल गुजरात के उद्योगपतियों को ही ठेका क्यों दिया गया? बार बार बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन जो है बीजेपी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी और मजबूत पार्टी है। बीजेपी पे हमला नहीं किया जा रहा है, ये राजनीतिक सवाल है आपका। नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर बीजेपी पर हमला नहीं किया जा रहा। और यदि आप ऐसा बोल रही हैं तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा भक्त इस समय मीडिया ही बीजेपी की है, इसलिए भक्त है कि सबका साथ विकास करने वाला कभी आप लोगों ने जनता अदालत लगाया होगा और अदालत लगाया होगा, लेकिन मीडिया ने कभी कर्मचारियों की अदालत नहीं लगाया जिसमें किसी मंत्री को नहीं बुलाया। मीडिया से भी इस बात का आप लोगों से दुख है कि देश की कोई भी मीडिया, करोड़ों लाखों जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे संस्थागत हों, चाहे वर्क चार्ज के हों, चाहे मजदूर, आज बगल में आपके धरना मनरेगा का लगा हुआ है, कभी इन लोगों से वार्ता क्यों नहीं किया जाता है? इनको जनता अदालत में क्यों नहीं बुलाया जाता? क्या लग रहा है लगातार जो आप लोग धरना दे रहे हैं, कब तक आपकी बात मानी जाएगी और क्या करेंगे? ये मानना न मानना ये शासन का काम है, शासन नहीं हमारी बात सुनता तो जिस तरह पंजाब ने इनको गर्द में मिला दिया, छत्तीसगढ़ ने मिला दिया, आपके और प्रदेशों ने मिला दिया, उसी तरह देश का हर स्टेट, 28 स्टेट केंद्र शासित जितने हैं, सब इनको देश से ही निकाल बाहर कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। बनारस में इन्होंने कहा था कि गंगा ने बुलाया है, क्या माँ गंगा ने इनको यही सिखाया था कि जब तुम पद पर चले जाना तो अपने कर्मचारियों का पहला शोषण करना, जिस तरह कंस ने अपने बाप को, अपने समस्त सेना को, जो नायक थे उनको कैद कर लिया था, वह तो भगवान कृष्ण के आने से वह बाहर निकले और एक नई। क्या लग रहा है जैसे कि कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन नीति वापस कर रही है, हिमाचल में कर दिया और कई जगह पे कर दिया, तो क्या लग रहा है अगले साल आप लोग कांग्रेस को जिताएंगे? देश में कुर्बानी दिया है तो कांग्रेस ने, हम गुमराह हो गए थे, लेकिन आने वाला समय फिर जो है अपने पटरी पर लौटेगा और इस देश में केवल कांग्रेस ही कांग्रेस, पूरे विश्व में कांग्रेस हो रही। वोट की चोट देंगे है? वोट की चोट देंगे, वोट से ऐसा चोट देंगे कि सारी छकड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी भूल जाएंगे। देख सकते हैं लगातार जो है बीजेपी पे, बीजेपी की नीतियों पे, प्रधानमंत्री की नीतियों पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन नीति जो है वापस होनी चाहिए। यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो कि पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और नई पेंशन को हटाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है लगातार धरना हो रहा है और अभी तक इनकी मांग जो है मानी नहीं जा रही है? आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।